सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों, आपका प्यारा सा भाई टेक्निकल अथांग फिर से एक और तगड़ी भड़कती वीडियो लेकर आ चुका है। तो दोस्तों, कुछ दिनों से मैं यूट्यूब पे इसलिए एक्टिव नहीं था क्योंकि दोस्तों मेरे कॉलेज में चल रहे थे एग्जाम्स, और मुझे पता है दोस्तों आपको मेरी बहुत याद आ रही होंगी और मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी दोस्तों। रोना आ गया मेरे को। लेकिन दोस्तों, ये सब चीज़ों को साइड हटाते हुए, आपका भाई फिर से एक और जोश के साथ आ चुका है अपनी एक तड़कती भड़कती वीडियो लेकर, जिसका नाम है दोस्तों, मतलब नाम तो क्या बताओ दोस्तों, चलो मैं बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉयड टीवी में ब्राउजर को इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। अब आप बोलोगे भैया कितने बार बताते हो ब्राउजर की इंस्टॉल कैसे, ब्राउजर हमें इंस्टॉल करना आता है भैया, आप बस हमको इतना बताओ कि बेस्ट ब्राउजर कौन सा है। तो वही दोस्तों, आज मैं आपके एंड्रॉयड टीवी के लिए एक ऐसा बेस्ट ब्राउजर बताने वाला हूँ जो दोस्तों स्पेशली आपके एंड्रॉयड टीवी के लिए ही बनाया गया है। पहले भी उन कंपनी ने वो ब्राउजर बनाया था, लेकिन दोस्तों उसमें इतने कुछ फीचर्स नहीं थे, लेकिन दोस्तों अब उन्होंने स्पेशली इतने फीचर्स डाल दिए हैं एंड्रॉयड टीवी के लिए, स्पेशली दोस्तों सारे ब्राउजर मतलब हिल चुके हैं इस ब्राउजर को देखते। तो चले दोस्तों, फटाफट से मैं आपको बताता हूँ इस ब्राउजर का नाम। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करो और मैं आपको बताता हूँ कि ये ब्राउजर को आप अपने एंड्रॉयड टीवी में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों, जो ब्राउजर मैं आपको आज बताने वाला हूँ उस ब्राउजर का नाम है दोस्तों जियो स्पीयर। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे जी यार भैया, जियो के तो दो दो ब्राउजर होगा, एक जियो पेजेस और जियो स्पीयर। लेकिन दोस्तों ऐसी कुछ बात नहीं है, बात यह है दोस्तों कि जो जियो पेजेस ब्राउजर था वो अपग्रेड हो चुका है, उसको रिनोवेट कर दिया है जियो स्पीयर में। क्योंकि दोस्तों मतलब कैसा है, अभी आपको तो मालूम है कि दोस्तों जो सबको मतलब फीचर्स ऑप्टिमाइजेशन ये सबकी बहुत ज़रूरत रहती है अपने एंड्रॉयड टीवी को, और सबको वही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, जो अपना पुराना ब्राउजर था जियो पेजेस, उसमें बहुत ही फीचर्स कम थे, लैग होता था, तो उसमें कुछ नहीं चलता था। लेकिन दोस्तों अब जो कंपनी ने इसको रिनोवेट कर दिया, इसको अपग्रेड कर दिया जियो स्पीयर में, जो कि दोस्तों पूरा मतलब मक्खन की तरह चलता है, आपको क्या ही बताऊँ, इतने फीचर से आप थक जाओगे, आपको एक दिन लग जाएगा पूरा इतने फीचर से उसको। और दोस्तों मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, आप इसको गूगल पे सर्च कर लो और विकीपीडिया पे भी देख लो कि जियो स्पीयर की मतलब क्या इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया पे डाल के रखी है कंपनी ने। लेकिन विकीपीडिया को ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, लेकिन आप गूगल पे देख सकते हो। दोस्तों गूगल पे बस सर्च करना जियो स्पीयर, जो कि दोस्तों परफेक्टली ये बिल्कुल एंड्रॉयड टीवी के लिए बनाया है, आपको कुछ चिंता नहीं करने। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसको इंस्टॉलेशन की प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉयड टीवी के गूगल प्ले स्टोर पर आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करना है जियो स्पीयर, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ, दो मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा। और मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है, आप इसे इंस्टॉल कर लेना दोस्तों अपने एंड्रॉयड टीवी में। देखिए, जियो स्पीयर वेब ब्राउजर फॉर टीवी, इसे आप इंस्टॉल कर लेना। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली होम पर आ जाना है। होम पर आ जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपने एंड्रॉयड टीवी को नेटवर्क से कनेक्ट करके रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन आपके होम स्क्रीन पर ही देखने के लिए मिल जाएंगी। जियो स्पीयर को हम जैसे ही ओपन करते हैं, वैसे ये दो मिनट लेता है रिफ्रेश होने में। देखिए, एक्सेप्ट पर आपको क्लिक करना है। एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा स्टैंडर्ड मोड, स्टडी मोड या इनकॉग्निटो मोड। तो दोस्तों आपको यहाँ पे आप कौन सा भी मोड यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, फिलहाल के लिए दोस्तों मैं स्टैंडर्ड मोड चूज़ करता हूँ। और आप दोस्तों इसको अपने एंड्रॉयड टीवी के रिमोट से भी चला सकते हो, या कीबोर्ड या माउस, इससे भी आप इसे आराम से स्मूथली चला सकते हो। ये दोस्तों मेरे एंड्रॉयड टीवी में इसलिए ज़्यादा टाइम ले रहा है क्योंकि दोस्तों मेरा नेटवर्क की जो स्पीड है आज मालूम नहीं बहुत ही ज़्यादा धीरे आ रही है। देखिए, अपना लोड हो गया आराम से। देखिए, ये बता रहा है कि आपको अब बेटर पर्सनलाइज एजुकेशन मतलब मोड, एजुकेशन मोड भी है इसमें, इनकॉग्निटो मोड भी है और एक स्टैंडर्ड मोड भी है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर दोस्तों ये बता रहा है कि आप यहाँ पे कस्टम क्विक लिंक्स भी ऐड कर सकते हो, मतलब आप यहाँ पे इसमें योर फेवरेट वेबसाइट क्विक लिंक्स फॉर अ सीमलेस ब्राउजिंग एक्सपीरियंस, मतलब दोस्तों इसका सीधा सीधा कहना है कि आप इसमें कौन सी भी लिंक को ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव करके आप इसे आराम से ओपन कर सकते हो। फिर हम जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं,
तो आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे, टीवी के जो ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग शोज चल रहे हैं। फिर वही दोस्तों, इसमें आपको वीपीएन भी देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आपके सामने हाजिर है पूरा का पूरा जियो स्फीयर, जिसमें कि दोस्तों आप देख सकते हो कि हमको कितने सारे फीचर्स इसमें देखने के लिए मिल जाते। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा एंटर अ वेबसाइट यूआरएल, मतलब आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे होम का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे स्विच बिटवीन स्टैंडर्ड मोड, मतलब आप डायरेक्टली यहाँ से स्विच कर सकते हो स्टैंडर्ड, स्टडी, इनकॉग्निटो। इसके बाद आपको यहाँ पे हिस्ट्री देखने के लिए मिल जाएंगी, वीपीएन और सिक्योर ब्राउजिंग भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, और सेटिंग्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पे पूरे क्विक लिंक्स देखने के लिए मिल जाएंगी, जो कि ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग वेबसाइट है जियो सिनेमा, naukri.com, बुक्स माई शो, आज तक, फेसबुक, अमेजोन, और आपको नीचे पूरे ट्रेंडिंग वीडियोस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। आप इसमें दोस्तों आपको इसमें मोबाइल मोड, डेस्कटॉप मोड, सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। चलिए इसी बात पे हम एक वेबसाइट ओपन करके देख लेते हैं इसमें। जैसे कि दोस्तों मैं भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ फिलहाल के लिए बुक माई शो। जैसे कि दोस्तों मैंने बुक माई शो पर क्लिक किया तो थोड़ा लोड होने में टाइम लेंगे क्योंकि नेटवर्क स्पीड मेरी स्लो है, लेकिन देखिए कितने ही फास्ट, मतलब कितने ही फास्ट यहाँ पे हमारा लोड हो गया है बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद हम अमेजोन ओपन करके देखते हैं कि वो कितना टाइम लेता है लोड होने में। रुको मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छा ब्राउज़र है दोस्तों। फ़िलहाल फ़िलहाल में ये हाल ही फ़िलहाल में अपग्रेड हुआ है जियो पे, जैसे जियो स्पीयर पे। देखिए मैं अभी आपको अमेजोन ओपन करके दिखाता हूँ, मतलब स्पीड मतलब बहुत ही अच्छी खासी स्पीड है, हमको कोई दिक्कत नहीं आएंगी। देखिए अमेजोन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये हार्डली 10 to 15 seconds लेंगे लोड होने में। अगर नेटवर्क की स्पीड रहेंगी तो 5 सेकेंड में ये आराम से लोड हो जाएंगे। सो देखिए दोस्तों हमारा भी अमेजोन कितने आसानी से फ्रिक्वेंटली ही जल्दी से जल्दी लोड हो गया है। देखिए अभी तो फिलहाल ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चालू है, चालू हो जाएगा 27 सितंबर से। सो अगर कुछ ऑफर्स डील्स रहेंगी, ऑफर्स तो चल ही रहे, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप मुझे बस कमेंट में बता देना। सो ये देखिए दोस्तों हमारा अमेजोन भी कितने जल्दी से जल्दी लोड हो गया है। ये देखिए पूरा हमारे यहाँ पे सीमलेस इसका एक्सपीरियंस हमको देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों यही सब फीचर्स हमको देखने के लिए मिल जाते हैं, आप और भी इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने सारे मेन मेन आपको पूरे फीचर्स देखने के लिए मतलब दिखा दिए, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सो ये है अपना जियो स्फीयर ब्राउज़र। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी आज की ये वाली वीडियो ज़रूर पसंद आई होंगी और आपको ये वाला ब्राउज़र भी बहुत ही ऑसम लग रहा होगा। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट है एंड्रॉयड टीवी के बारे में, फायर टीवी स्टिक, एंड्रॉयड टीवी बॉक्स, या मतलब एमआई टीवीज, या मतलब जोन से भी एंड्रॉयड टीवी, कौन से भी एंड्रॉयड टीवी, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे बस अपने यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, या मुझे आप बस इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिए, आपका भाई आपके लिए हाजिर है और आपके पूरे के पूरे डाउट पूरा क्लियर कर देगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। अरे ऐसा क्लियर दिया क्या मैंने, ऐसा नहीं करना था, बाय ऐसा करना था। चलो।